अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेके आए। हम जा रहे हैं आगे किसी चीज़ की तलाश में। मैं खुले हो क्या? तो ये है पावर हाउस। यहाँ पर पावर हाउस है एक छोटा सा, जिससे नीचे जो छोटा गांव है उसको बिजली मिलता है यहाँ से। तो हम अभी गांव से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं हाइट में, और हमने ऊपर और जाना है। तो लेट्स गो। तो ये थे गांव वाले जो ऊपर पहाड़ों पे गए हुए थे, वापस आए। तो काफ़ी अच्छा हो गया था, हमने क्लाइंबिंग नहीं किया तो मुश्किल हो रहा चढ़ना। यहाँ पर डैमेज हुआ है, ऊपर से पत्थर आके ऊपर लगा है। तो थोड़ा और सफ़र बाकी है, हाइट काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। बाकी लोग आगे काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, वहां से जा रहे हैं। मेरा क्लाइंबिंग का जो आदत है वो ख़त्म हो गया था पिंडी के। काफ़ी टाइम बाद पिंडी से आया हूं, तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रहा है पर जाने में। ये एक टैंकी है, पूरे गांव को इस टैंकी से पानी जा रहा है, और इसका हालत देख लें, टूट चुके हैं। और ये पाइपलाइन, ये छोटा सा टैंकी, इन्होंने दोबारा कंटिन्यू कर लिया सफ़र। यहाँ पर पानी पीता हूँ थोड़ा सा, बहुत थक गया हूँ मैं तो, बहुत ठंडा पानी है। बहुत बताया तो आगे सफर कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, एक नाला इस साइड से है, लेकिन यहाँ बीच में से खुदा का करिश्मा देखें, 50% पानी पूरा इस साइड से आ रहे हैं और बाकी 50% इस साइड से। तो देख रहे हैं इस पहाड़ में से पानी निकल रहा है इतना ज़्यादा, जो कि पूरे गांव को सैराब कर रहा है। तो यार हम इधर पहुंच चुके हैं बड़ी मुश्किल से। आप वो भाई देख रहे हैं, उनके पास ही वो जगह है। ये रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, हमें संभल के जाना पड़ेगा। इस पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे। तो यार हम बड़े मुश्किल से पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ये सामने जो पत्थर है वहाँ पर है। तो यार नसीम और वो भाई ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए, वहाँ पर जा रहे हैं उस जगह पे, और मैं और ये भाई इधर वेट करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये जो साथ येलो कलर के जो पत्थर नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हम इसी को देखने के लिए आया था। सो अभी मैं जा रहा हूँ वो सामने पानी पीने के लिए चश्मे का, बाकी जो साथी है ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्याज अगर ज़्यादा लगी हो तो कुछ भी करना पड़ता है, तो हमें पानी की तलाश में जा रहे हैं। पानी तो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन रास्ता नहीं है वहाँ जाने का, तो इसलिए मुझे काफ़ी ऊपर आना पड़ा। तो यार हम फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये रहा पानी, पानी पियेंगे, और ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्लाइंबिंग करना पड़ा, ओह संभल के जाना पड़ेगा,
अगर ये गिर गया तो मसला हो जाएगा। नीचे से हमें ऊपर आना पड़ा। एक्चुअली यहाँ से ऊपर माउंटेन है, यहाँ पर लोग जाते हैं बकरियाँ वगैरह चराने के लिए, तो इसकी वजह से ये रास्ता बनाया हुआ है और मुझे बहुत खूबसूरत लगा तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। हमारे जो बाकी साथी है वो नीचे बैठे हुए हैं और मैं एक्सप्लोर करते करते यहाँ तक आ गया और ये जगह मिल गया, तो हम अभी वापस जा रहे हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे, तो आप लोगों को ये जो पहाड़ है ये पहाड़ी से घूमना है कैसा लगा सर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में फ़ौरन। और अभी हम जा रहे हैं मेरे जो बाकी साथी हैं उनके पास, फिर नीचे जाएंगे वापस। तो जी ये था वो पत्थर जिसके लिए हम आए थे स्पेशली इस पहाड़ पे। तो व्यूअर्स ये व्लॉग यहीं तक था, आप लोगों को व्लॉग कैसा लगे हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।